Everyone, today we'll discuss the solution of exercise 1.2 of unit 1 matrices and determinants. Here we are discussing the solution of question number 1 and question number 2. First of all, we will discuss the question number 1. In question number 1, we want to identify the unit matrix, row matrix, column matrix and null matrix. Already we done the concept of these matrices. The link is in the description. So let's start with the questions. अच्छा जी, पहली मैट्रिक्स हमारे पास है, इसमें सारी एंट्री ज़ीरो हैं. तो जब सारी एंट्री ज़ीरो होती हैं तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास है एक ही रो है इस मैट्रिक्स की. जब एक ही रो होती है तो उसको उस मैट्रिक्स को ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स. जिस रो में एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. तो आप देख सकते हैं इसका एक ही कॉलम है, कॉलम वर्टिकल पोजीशन में होता है, तो ये एक ही वर्टिकल एंट्री है इसमें. तो इट मींस इट्स अ वर्टिकल, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास एंट्रीज़ हैं डायगनल पे 1-1, और डायगनल के अलावा बाकी एंट्रीज़ ज़ीरो हैं. जब डायगनल पे एंट्रीज़ 1 होती हैं और नॉन डायगनल की एंट्रीज़ 0 होती हैं तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं. नेक्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही एंट्री है और वो है ज़ीरो एंट्री. जब एंट्री ज़ीरो होती हैं तो उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एंट्री एक ही कॉलम है इसमें, ना तीन रोज हैं बट कॉलम एक ही है. जब कॉलम एक ही है और वर्टिकल पोजीशन में एक ही एंट्री है तो आप कह सकते हैं उसको कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा था कि वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स होती है और इसमें एक ही वर्टिकल है कॉलम, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी यही कह रहा है कि फॉलोइंग मैट्रिक्स से बताएं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, रेक्टेंगल आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 में भी उसने हमें आइडेंटिफिकेशन कही थी कि आइडेंटिफाई करें. यहाँ पर भी उसने हमें स्पेसिफिकेशन दे दी है कि आइडेंटिफाई करें स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. तो ये 6 मैट्रिसेस हैं जो हमने आइडेंटिफाई करनी है. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. पहले सवाल में हमें अगर आप मैट्रिक्स देखें तो हम सबसे पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं. इसका ऑर्डर क्या है, इसमें आपके पास हैं 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं. जब ऑर्डर इसका है 2/3 का, जब ऑर्डर 2/3 का है तो इसका मतलब है ये कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. बिकॉज एज वी नो डैट फ्रॉम द डेफिनेशन, ये भी हम कर चुके हैं इसकी डेफिनेशन, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं. इसका ऑर्डर 2/3 है. जब ऑर्डर सेम नहीं होता तो उन मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें आप देखें कि एक ही वर्टिकल एंट्री है. जब एक ही वर्टिकल एंट्री है, पिछले क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं कि जब एक ही वर्टिकल एंट्री होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है. इसका ऑर्डर क्या है, 3/1 है ना, 3 रोज़ हैं लेकिन एक कॉलम है, 3/1 है. तो इसका मतलब है कॉलम एक ही है, तो ये आपके पास क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ऑर्डर आप देखें तो इसमें क्या है जी, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं. जब 2 ही रोज़ हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, 2/2 का ऑर्डर है, तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डायगनल पे एंट्रीज 1 है, नॉन डायगनल पे एंट्रीज 0 है, तो ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होगी. नेक्स्ट हमारे पास इस मैट्रिक्स में 1, 2 और 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, 2, 1 और 2. तो 3/2 का ऑर्डर है. जब ऑर्डर बराबर नहीं होता तो वो मैट्रिक्स कौन सी हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई.
अगली मैट्रिक्स अगर हम देखें तो इसमें एक ही रो है, जब एक ही रो होती है कॉलम्स में, एक दो तीन कॉलम्स हैं बट रो एक ही है, जब मैट्रिक्स में एक ही रो हो तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास एक वर्टिकल एंट्री है, तीन रोज हैं लेकिन एक ही कॉलम है, जब एक ही कॉलम है तो उसको हम क्या कहते हैं जी, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स आपके पास अगर आप इसमें देखें तो इसमें तीन रोज हैं और तीन ही कॉलम्स हैं, जब तीन रोज़ हैं और तीन ही कॉलम्स हैं, ऑर्डर इसका क्या है, 3x3 का, जब रोज़ और कॉलम्स का ऑर्डर सेम होता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस मैट्रिक्स में है तो ये दो रोज़ और तीन रोज़ और दो कॉलम्स हैं लेकिन ये इसमें सारी एंट्री ज़ीरो हैं, जब तमाम एंट्री ज़ीरो हैं तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं।